क्या दाऊद अब पाकिस्तान में नहीं रहता? टी कंपनी का सरगना आज भी बबलू श्रीवास्तव से डरता है। डॉन दाऊद इब्राहिम की मुंबई अंडरवर्ल्ड में अतीत में तमाम सरगनाओं से दोस्ती और दुश्मनी रही है, लेकिन मुंबई के बाहर के डॉन लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल से डी कंपनी के एक सरगना की विदेश में मुलाकात के इनपुट्स ने खुद कई जांच एजेंसियों को हैरानी में डाल दिया है। पर यूपी पुलिस के पूर्व आईजी राजेश पांडे इस घटनाक्रम को बहुत हैरानी के तौर पर नहीं देखते। उनका कहना है कि दाऊद ने अतीत में यूपी के भी कई सरगनाओं से हाथ मिलाया और फिर बाद में उनसे दुश्मनी कर ली। इनमें एक बबलू श्रीवास्तव भी है। पांडे कहते हैं कि दाऊद को आज भी यदि किसी से अपनी जान को खतरा है तो वो बबलू से है। इसी खतरे की वजह से वो अब पाकिस्तान में कम रहता है, कभी कभी ही वो वहाँ आता जाता है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने भी हमें ये बताया कि ये मानना कि दाऊद सिर्फ पाकिस्तान में कराची और इस्लामाबाद में पाकिस्तान आर्मी और ISI के पहरे में रहता है तो गलत है। वो पाकिस्तान के बाहर भी जाता रहता है, उसके पास तमाम फर्जी पासपोर्ट। बबलू से दाऊद की दोस्ती 1993 ब्लास्ट के पहले से। पूर्व आईजी राजेश पांडे कहते हैं कि बबलू से दाऊद की दोस्ती 1993 के ब्लास्ट से बहुत पहले से थी। बबलू ने दाऊद के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, अपने लोगों के जरिए कई किडनैपिंग करवाई और फिर फिरौती की रकम का काफी हिस्सा दाऊद को पहुंचाया। फिर कुछ खास मतभेदों और झगड़ों की वजह से वो डी कंपनी से अलग हो गया। पूर्व आईजी का कहना है कि बबलू ने नेपाल में जिस तरह वहाँ के सांसद और दाऊद के खासम खास रहे, मिर्जा दिलशाद और बेग का मर्डर करवाया, उससे दाऊद बहुत डर गया। दाऊद को फरीद तनाशा और विक्की मल्होत्रा द्वारा मारने की कई असफल कोशिश की बात अतीत में अलग अलग एजेंसियों के जरिए बाहर आती रही है, लेकिन राजेश पांडे का दावा है कि खुद बबलू ने जेल में बंद रहकर भी दाऊद को मरवाने के दो असफल प्रयास किए।